लेकिन आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं आज बाजार की चाल की। और जैसा कि हमने आपको बताया कि गोल्ड और सिल्वर में उतार चढ़ाव है, पहला सवाल एन प्रसाद आपसे, क्या लगता है आपको जिस तरह से गोल्ड की कीमतें, हालांकि आज काफी ज्यादा इंट्राडे में गिरावट आई थी करीब 300 रुपए की, लेकिन उसके बाद कुछ रिकवरी आई है, आगे मार्केट की चाल आप क्या देख रहे हैं? देखिए, गोल्ड में एक इंटरनेशनल की बात करें तो 1225 डॉलर को एक टारगेट लग रहा है, उधर एक सपोर्ट है, उधर से नया रैली चालू होगा। गोल्ड बहुत ही कंसोलिडेशन कर रहा है, जो गेन्स वो अनएक्सपेक्टेड गेन्स ऑल ऑफ ए सडन कर दिया था जनवरी फरवरी में, मार्च में उसको कंसोलिडेट करते हुए लग रहे हैं। तो मेरे को लग रहा है ये जैसा इतना कंसोलिडेशन हो रहा है तो अप ट्रेंड इंटैक्ट है, नहीं तो इफ इट वॉज ए बोन्स और डेड कैट बोन्स और कुछ भी हो, बेरिश बोन्स, इट वुड हैव बीन गॉन डाउन। बट इतना रुपये अप्रिशिएट होने के बाद भी होल्ड हो रहा है प्राइजेस, वेरी सरप्राइजिंग, एंड आई लुक फॉरवर्ड फॉर ए बिगर सेक्युलर अप ट्रेंड। ठीक है, अनुज आपका कमेंट क्या होगा चांदी के ऊपर, क्योंकि आज चांदी में भी गिरावट थी लेकिन उसके बाद चांदी में निचले स्तर से रिकवरी आ गई है, क्या आपको लगता है कि चांदी का मार्केट यहां से और रिकवर होगा? मृत्युंजय गुड इवनिंग, अगर हम देखें तो चांदी में भी कहीं ना कहीं एक सपोर्ट लिया है, अगर हम टेक्निकल चार्ट पे देखें तो करीबन 15.60 एक अच्छा सपोर्ट मार्केट ने लिया। साथ में अगर हम MCX की बात करें तो यहाँ पर भी करीबन 37,500 के आसपास मार्केट ने सपोर्ट लेकर बाउंस किया है। हमें लगता है कि चांदी के अंदर एक ट्रेंड जो है पॉजिटिव वो कंटिन्यू रहेगा। इवन अगर हम वीकली की बात करें तो लास्ट वीक चांदी ने पॉजिटिव क्लोजिंग किया था, मुझे लगता है कि जो ट्रेंड है गोल्ड सिल्वर में वो थोड़ा पॉजिटिव रहेगा। हालांकि मार्केट एक रेंज में रहेगी बट मुझे लगता है कि जो ट्रेंड रहेगा ओवरऑल वो एक पॉजिटिव साइड में रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं विशाल सोनीपत से। विशाल पूछिए अपना सवाल। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए जी। सर मैंने 2730 पे 10 लॉट क्रूड बाई किए हुए हैं सर। ओके, आपने क्रूड में बाइंग की है 2730 पे? जी 2730। ओके, एन प्रसाद क्या करना चाहिए इनको, क्या आप इनको मार्केट में अभी रुकने की राय देंगे, कुछ कीमतों में तेजी की उम्मीद आप और कर रहे हैं क्रूड में? देखिए, लास्ट लेग ऑफ बाइंग इन्होंने किया है, जो चेज बोलते हैं, रनिंग बिहाइंड द कर्व, अभी इतना तेजी हो चुका है, 1800 से 2700 आया है, अभी इसको चेज मत कीजिए एज ए ट्रेडर आल्सो। अभी इधर प्रॉफिट बुक करके मैं जैसा भी बोल रहा था, नया कॉन्ट्रैक्ट की फर्स्ट डे है, सो इट इज़ अराउंड $41, तो मेरे भी इधर से करेक्शन की मूव इस हफ्ते दिखता है, तो बेटर इनको पोजिशन एग्जिट करके इनको नीचे का भाव में लेना चाहिए, या तो इफ़ ही इज़ ए वेरी स्किलफुल ट्रेडर ऊपर छोटा सा स्टॉप लॉस से शॉर्ट करना चाहिए।